वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आदित्यन कुमार वर्मा आईटी सपोर्ट। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम पर कंट्रोल पैनल को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं कैसे आपको पॉलिसी सेटिंग बताऊंगा जिसमें जाके आप अगर उसको इनेबल कर देंगे तो आपके सिस्टम पर कोई भी इंसान कंट्रोल पैनल नहीं खोल पाएगा। कंट्रोल पैनल जितने भी आइटम्स आते हैं उसके अंदर की चीज़ें नहीं खोल पाएगा। तो आइए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम पर आएंगे और सिस्टम पर आने के बाद मैं सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल खोल कर दिखाऊंगा अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रन कमांड पे जाऊंगा। रन कमांड जाने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल टाइप करूंगा। अभी कंट्रोल टाइप करूंगा और कंट्रोल पैनल को खोलने की कोशिश करूँगा। देखिए कंट्रोल पैनल अभी खुल जा रहा है। अभी मैं इस पर पॉलिसी लगाऊंगा तो कंट्रोल पैनल नहीं खुलेगा। तो ये देखिए मेरा कंट्रोल पैनल खुल गया, मैंने खोल के दिखा दिया। अब सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कमांड gpedit.msc और एंटर करूँगा। उसके बाद इसमें आऊँगा मैं नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं कंट्रोल पैनल में। आप देखिए आप इस राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पीसी सेटिंग्स पे, क्लिक करिए और इसको इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करने के बाद आप अप्लाई करके ओके कर देंगे, आपके सिस्टम पर जो कंट्रोल पैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी पर्सन आके आपके सिस्टम पर कंट्रोल पैनल नहीं खोल सकता जब तक इस सेटिंग को डिसेबल नहीं करेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कंट्रोल। ये देखिए कंट्रोल पैनल नहीं खुलेगा। यहाँ से मैं जाके खोल दिखा देता हूँ कंट्रोल पैनल, ये नहीं खुलेगा। अब आप क्रेडेंशियल मैनेजर भी खोलना चाहेंगे वो भी नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से आप सिस्टम पर कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।